तो दैट्स व्हेन जब मैं 2004 में बॉम्बे आया फिर से दुबई से, तो मैंने तभी अपना एक दोस्त था तो उसने बोला कि यार शेयर बाजार बहुत अच्छी जगह है, मुझे पता था वो करता है, तो मुझे भी पता है कि शेयर बाजार बहुत अच्छी जगह है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बोले नहीं, तू जिस तरह देख रहा है उस तरह नहीं, टेक्निकल एनालिसिस में, इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो बोला ये नहीं पता मुझे, तो बताओ। तो उन्होंने मुझे हाथ में एक सीडी दे दी और बोला है सिस्टम में डालो और अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, पैसे ही पैसे कमाएंगे। पता चला मैंने डाली और वो भाई बिजी हो गए मुझे बताने की जगह पे, गाइड करने की जगह पे। अब मुझे पता नहीं, मैं खुद के उनसे इधर उधर मारा मारा उसमें देख रहा हूँ चार्ट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर यूज़ करने नहीं समझ में आ रहा है बरोबर। मैंने पहले बहुत सारे पैसे तोड़ दिए थे, किस्मत से वाइफ वॉज वर्किंग, सो दैट वॉज बहुत अच्छा, मेरे सपोर्ट थे, तो वो एक फ़ायदा हो गया, 5,50,000 हो गया था विद इन 6 मंथ्स। सो ये वो पीरियड था। और फिर उसके बाद जब ये जो आप लोग मुझे मेजॉरिटी लोग जानते हैं कि मूविंग एवरेजेस का पायनियर जो एक हमने उसने काम किया था, लाइक मूविंग एवरेजेस 3 प्रकार से यूज़ होती है यूजुअली, लोग जो जनरली यूज़ करते हैं 2 प्रकार में यूज़ करते हैं। एक होता है जहाँ एक मूविंग एवरेज, छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, तो उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। अपसाइड क्रॉस हुआ तो नीचे क्रॉस हो तो डेथ क्रॉस बोलते हैं, ये एक तरीका हुआ। तो ऊपर गया तो बुलिश हो जाते हैं, नीचे गया तो बेरिश हो जाते हैं। दूसरा है अगर प्राइस कोई पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को क्रॉस हो रहा है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं 20 को क्रॉस किया या 50 को क्रॉस किया, तो वहाँ बुलिश होते हैं, प्राइस क्रॉसिंग मूविंग एवरेज, नॉट द मूविंग एवरेज क्रॉसिंग। तो अब ये दो चीज मैंने ट्राई की, इसमें पैसे नहीं मिल रहे थे मुझे, इतना नहीं हो रहा था कुछ, बट ये मेरे स्क्रीन पे 5 मूविंग एवरेज ऑलवेज लगी रहती थी और मुझे पता नहीं था वो टेम्पलेट क्या है, तो मैं उसको चेंज भी नहीं करता, सॉफ्टवेयर यूज़ करने भी बरोबर नहीं आ रहा था, छेड़खानी करना थोड़ा डर लग रहा था, और मेरे लिए लकी बन गया जो छेड़खानी नहीं की। अब इतने टाइम से कंटिन्यूस देख रहा हूँ तो मैंने बोला कुछ तो इसमें यूनिक हो रहा है, और हमने उसमें फाइंड किया कन्वर्जन ऑफ मूविंग एवरेज, जो हम हिंदी भाषा में बोलते संगम। अच्छा, जो मूविंग एवरेज का संगम होता है तो आप देखोगे कि दिस इज़ वेरी, जब हम ये यूज़ करते हैं बोलिंगर बैंड्स, तो बोलिंगर बैंड्स में जब श्रिंक होता है बोलिंगर का, इट इज नथिंग बट मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, अभी अलग अलग टूल्स सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट देते हैं, अब लोग कोई अलग प्रकार का करते हैं, मैं इसमें ये मैंने पकड़ लिया। अब बोलिंगर बैंड में क्या होता है कि 2 रेंज होती है, उसके बियॉन्ड जब जाता है ऊपर की तरफ जाता है तो मीडियन से ऊपर की तरफ जाएगा उतना हिट करेगा, वैसा एक्सपेक्ट करते हैं, बट उसके बियॉन्ड भी जाता है अगर बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ तो फिर बोलिंगर बैंड काम नहीं आता सीरियसली। सेम वे नीचे भी जाता है तो सेम होता है, बट तो हम कन्वर्जेंस की तभी जो मैंने देखा था चार्ट पे, तो मैं आपको इधर बता रहा हूँ, सामने चार्ट है, ऐसे ही लगा हुआ था, मैंने खोला था, तो आप देखिए यहाँ संगम हो चुका है मूविंग एवरेज का, 4,918,50,200 नीचे वाला है, बाकी चारों एक साथ हो चुके हैं यहाँ अगर हम नोट करेंगे। हाँ, जब ये होता है तो हमको कुछ नहीं करना होता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है, लोग एंटिसिपेशन में ट्रेड लेते हैं। हाँ, हम वेट करते हैं। अच्छा, जहां मूव करता है आप वो साइड ट्रेड लीजिए। ओके ओके, और देखिए फिर क्या होगा, गोल्ड में ऑलमोस्ट 100 रुपए का मूव हो गया, गोल्ड में 100 रुपए का मूव होना मतलब लोगों की जिंदगी बन सकती है, $100 US डॉलर। तो ये हो गया अभी एक कन्वर्जेंस के बाद का। हाँ, आपको मूवमेंट देखना है, वेट करना है। अगर आप ऑप्शंस करते हो तो आप स्ट्रैडल खरीद लीजिए, जो साइड चलता है वो लेग को चालू रहने दीजिए, दूसरा जो ऑफ साइड जो नहीं चल रहा आपका उसको कट कर लीजिए, छोटा सा लॉस में कट हो जाएगा, और जो प्रॉफिट वाला है वो सब कवर करके दे देगा आपको। अब 100 रुपए का मूव इसमें हुआ होगा तो परसेंटेज टर्म में इट इज जस्ट 6%, 6% है बराबर, बट अगर आप लीवरेज में देखते हो 20 टाइम लीवरेज मिलती है आपको कमोडिटीज में, तो आप सोचिए कि कितना आपको रिटर्न्स मिल सकता है। जी तो ये हम लोग निफ्टी में देख सकते, जी हम निफ्टी में भी देख सकते हैं आपको, इसको बहुत लॉक कर दो, निफ्टी होगा भी हमारे पास। अब निफ्टी में जो कन्वर्जेंस हुआ था यहाँ हुआ था जो बढ़िया हुआ था, और ये मैं देख रहा हूँ आपके कुछ नोट्स भी किया है। जी ये मैंने बीच में थोड़ा मनी कंट्रोल पे उन्होंने मुझे कवर किया हुआ था, एक मेरा इंटरव्यू लिया हुआ था, तो तब मैंने उनको बताया था कि किस तरह मूवमेंट हुआ था एंड जस्ट सी कितना बड़ा मूव था ये। सो कन्वर्जेंस का मतलब हो गया सेम प्राइस पॉइंट पे तीनों मूविंग एवरेज आके मर्ज कर रहे हैं। जी 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 संगम।
अब यहाँ ये जो है कन्वर्जेंस ये डेली टाइम फ्रेम पे था, वो वाला हमने देखा था और दूसरे वो भी डेली वाला था, बट गोल्ड में मूवमेंट जो 6% होता है बहुत रेयर होता है, बहुत जल्दी नहीं आता, फिर वो कंसोलिडेट करता है थोड़ा मूव करके। गोल्ड स्टॉक्स की तरफ मिड कैप्स की तरफ 20-25-50 तक नहीं चलता डेली एक साल में, क्योंकि वो अभी ये भी इसमें एक लर्निंग है। जैसे हम कोई भी स्टॉक जब हम खरीदते हैं बेचते हैं तो एक बहुत बेसिक चीज होती है जो प्राइस को देखना है, जो इसमें देखते हैं यूजुअली विद कन्वर्जेंस के साथ एक हो जाता है कि यहाँ प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से वो मूव नहीं कर रहा है, वो उस जगह पे आके अटक गया हुआ है, तो उससे ये मूविंग एवरेज का संगम होता है। बट उसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे दर्शक ने देखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, वो नीचे जो है ये जो डंडियां हैं काफी सारे, ये वॉल्यूम्स। अब आप नोट करोगे कि अगर टेक्निकल एनालिसिस जो यूज करता है तो ये दो चीज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना हो जहाँ टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए आपके लिए, तो वो स्टॉक में हम बोलते हैं कि ऑलवेज यू नो हाईली ट्रेडेड वाइडली हेल्ड स्टॉक होना चाहिए, मतलब जहाँ ट्रेडिंग बहुत हाई अमाउंट में होना चाहिए, जैसे निफ्टी में काफ़ी हाई वॉल्यूम्स होते हैं, और वाइडली हेल्ड मतलब बहुत लोगों ने उसमें ट्रेड करना चाहिए। नॉमिनल थोड़े लोग करते हैं तो वहाँ मैनिपुलेशन का चांस बढ़ जाता है, और हाईली ट्रेडेड जितना कम होगा, जितनी लिक्विडिटी कम होगी उतना कंट्रोल वो थोड़े बंदों थोड़े लोगों के हाथ में होता है, स्मार्ट मनी जिसे हम बोलते हैं। तो वो जो पैसा है वो जिसमें हमारे को सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आते जो हमने सुना होगा पंप एंड डंप, जैसे हमने अभी बीच में एग्रोफोर्स का एक चार्ट देखा, अगर दिखा देते हैं अपने दर्शक को कि कैसे लोग फंस सकते हैं। सी देखिए रैली, और ये देखिए वहां से कहां गया, ये था 156 या 57 के आसपास हाई, एंड वहां से अभी 55-56 हो गया है, यानी पूरा डंप स्टोरी है पंप एंड डंप ये पूरा। यहाँ वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो और एक फैक्टर होता है जो वॉल्यूम में नोट करना चाहिए लोगों ने, वो होता है डिलीवरी वॉल्यूम। जितना लो डिलीवरी वॉल्यूम है उतना रिस्की ट्रेड होता है, मतलब ये पूरे सौदे जो दिन में होते हैं अगर सब 10-12% 20% काइंड ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम हो रहा है, मतलब जो मामू हमारे जैसे आम आदमी होते हैं, आम इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग ले रहे हैं। अगर इन्वेस्टर होता है तो डिलीवरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ डिलीवरी बहुत कम हो रही थी, और फिर हुआ क्या देख पाओ, और ये पूरा अगर आप मुँह देखोगे तो ये चल रहा था 1% 2% काइंड ऑफ, और गिरा तो 20-20, 10-10-10 और अभी 5-5-5। तो यहाँ पर तो संगम आ गया। जी संगम हुआ, पैसे भी मिले, बट क्वालिटी ऑफ स्टॉक हाईली ट्रेडेड बाइटली है। सो बहुत सारी चीजें जो होती है एज अ फंडामेंटल्स भी देखा जाता है। अगर कोशिश कीजिए, अगर हमारे दर्शक लोग सुन रहे हैं ये चीज पढ़ रहे और अगर समझ रहे हैं ये सब हम जो बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग है कि हाईली ट्रेडेड क्वालिटी हेल्थ स्टॉक्स में ही काम कीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स में। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड भी करना हो, इंट्राडे भी ट्रेडिंग करते हो, तो ट्राई टू ट्रेड क्वालिटी स्टॉक। गलती से आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, आपका सब कुछ सही है, आपने एनालिसिस परफेक्ट किए, सब कुछ सही है, अब एकदम भाव गिर सकता है। मार्केट में कोई भी न्यूज आती है, जैसे आज का न्यूज है, कल 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं ईरान और यूएस का जो पोस्चरिंग चल रहा है, तो उसके से हो क्या है कि जो बाजार में बीचों बीच एकदम न्यूज आता है, या तो स्टॉक स्पेसिफिक होता है या पूरी मार्केट स्पेसिफिक हो जाता है, तो जब गिरता है तो बहुत बड़ा गिर सकता है, तो आपकी फॉल्ट नहीं होती, आपके अपने स्टॉप लॉस भी वो नहीं हिट करेगा, वो पकड़ेगा ही नहीं, सीधा गिर जाएगा, क्योंकि कोई बायर ही नहीं होगा वो बीच में। तो एटलीस्ट क्वालिटी स्टॉक में अगर आपने पैसा लगाया तो ऑलवेज एक चांस होता है कि फिर से ऊपर आएगा। अगर आप नॉन क्वालिटी स्टॉक में काम करोगे, जैसे अननोन स्टॉक्स है जिसको हमने कभी सुना नहीं, जिसके फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, जो इलिक्विड काउंटर्स है, जहाँ वॉल्यूम्स आर कंट्रोल बाय वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों के हाथ में उसका कंट्रोल होता है, तो इस तरह के माहौल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है, और बहुत सारे जो हमको SMS में टिप्स आती है, तो ये इस तरह के स्टॉक्स में होती है, क्योंकि वो फ्री टिप्स इसीलिए देते हैं कि हम इसमें ट्रैक हो जाए। और मेरे पास ऐसे काफ़ी उदाहरण होते हैं जहाँ लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं इसमें क्या करना चाहिए। अब अगर उसने 100 में लिया, उसको मैं 55 में बेचने बोलूँगा, बट खरीदने वाला भी कोई नहीं होता, इसमें बायर ही नहीं होता, आप बेचोगे किसको? सिंगल साइड चल रहा हो तो आप फंस जाओगे। तो अक्सर
एक बोलते ना कि आप हमने स्कूलिंग की सबने कुछ ना कुछ, अगर हम दुकान पे भी बैठना चाहे, एक हमारे डैडी की दुकान हो या बाप दादा की दुकान हो, अगर हमको वहाँ बैठना हो तो हमको पहले दिन से सेठ की तरह नहीं बिठाते, सीखना पड़ता है सिस्टम। तो ये बाजार में भी जब कोई आता है तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि सीखो पहले। सीखने के बहुत सारे तरीके, आपने ये जो बना रखा है जहाँ वीडियोस के थ्रू सीखते हैं लोग, जहाँ एक्सपर्ट्स आके आपके साथ बातें करते हैं, आप उनसे नॉलेज अपने दर्शकों को बताते हो, वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, अदरवाइज यू नो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स है, बट वो सब अधूरी नॉलेज हो मेरे हिसाब से। जैसे हम स्कूल में इस तरह नहीं सीखे थे, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था, तो वो जो सिस्टम है, मैं अक्सर बोलता हूँ अगर आप सीखना चाहते हो कहीं से भी दुनिया में, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सीखना है कुछ भी, तो ऑलवेज कोशिश कीजिए कि उसके पहले पढ़ाई मत कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ के जाते हो, अनलेस उसने जो सिखा रहा है वो आपको मटेरियल देता है तो ठीक है, अगर आप खुद सीख के जाते हो तो आप सीखते नहीं हो, आप कंपेयर करते हो, तो आपकी लर्निंग नुकसान होती है, जो सिखा रहा है उसका कोई नुकसान नहीं होता उसमें। तो ये ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कि आप अगर कोर्स भी करना चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि कोर्स के बाद फिर उनसे इंटरेक्शन चालू रखिए, उनके साथ बातें कीजिए जो आपको सिखा रहे, और फिर आप क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके कोरिलेशन में क्या काम आ रहा है वो देखना चाहिए। अब मैं कल एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट से बात कर रहा था, मार्केट के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम था जब बहुत सारे इंडिकेटर मैं भी यूज़ करता था, वो भी करते थे, अब हम लोग दोनों बहुत, मेरे ख्याल से मैं तो इंडिकेटर मैं भी नहीं यूज़ करता, वो भी नहीं यूज़ करते, रेयरली कभी देख लिया, जस्ट कि एक नज़र लगा दी कि भाई हम जो सोच रहे हो बराबर चल रहा है, उतना ही देखने के लिए, क्योंकि हम भाव भगवान है मानते हैं बाजार में, हर कोई बोलता है, आपके हर इंटरव्यू में आपने सुना होगा, आपके जितने भी एक्सपर्ट हो गए बोलेंगे, बट हम जब इंडिकेटर देखते हैं तो इंडिकेटर मेरे ख्याल से मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि अगर भाव भगवान है तो इंडिकेटर पुजारी है। तो आप सोचिए आप किसकी पूजा करना चाहते हो, भगवान की पूजा करना चाहते हो पूजा अर्चना मंदिर में, या फिर इंडिकेटर जो पुजारी है उसकी पूजा अर्चना करना है आपको। सही बात। तो जो इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपको अगर प्रोग्रेस करना है आगे बढ़ना है तो एक लेवल पे आप वहाँ पहुंचोगे जब आपको रियलाइज होगा, जो बोलते हैं निर्वाणा स्टेट बोल सकते हो आप एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर की, जहाँ आप इंडिकेटर्स नहीं यूज करते, सिर्फ प्राइस से काम चलाते हो। हाँ, बाकी इंडिकेटर्स होते हैं जैसे मूविंग एवरेज यूज करते हैं, बट वो कोरोलरी होता है, उसको हम उतना महत्व नहीं देते। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इतना खराब स्टॉक है फिर भी अगर आप नोट कीजिए, इसने कंटिन्यूअस बेसिस पे 50 की जो मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट लिया है। सो आपको अभी यहाँ एग्जिट, अब यहाँ ये दिन पे अगर 50 पे अगर निकलना होता तो आप बच जाते, सिर्फ वर्स्ट ऑफ द स्टॉक में भी आपको बचा सकता है। सही बात। तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना। सिर्फ मूविंग एवरेज बहुत लोग खुद के चार्ट पे लगाते हैं बट उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते, वो सिर्फ यही देखते हो क्रॉस ओवर, और जिसे मैंने बताया गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, या फिर प्राइस क्रॉसिंग बियॉन्ड। यहाँ प्राइस क्रॉसिंग का एग्जांपल है, यहाँ देखिए आप कंटिन्यूअस बेसिस पे हाउ अ मूविंग एवरेज इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, वो कैसे मतलब एक ये स्टॉक के प्राइस को एक हाथ में पकड़ के हथेली में ऐसा उठा उठा के जा रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना है जब हम मूविंग एवरेजेस देखते हैं। तो एक टिपिकल FNO ट्रेडर का, क्योंकि 2004 से आई थिंक यू आर लुकिंग एट FNO वेरी क्लोज, एक टिपिकल FNO ट्रेडर को क्या सेटअप बनाना चाहिए अपना? सच बोलो तो मैं FNO में बहुत कम अभी काम करता हूँ। अच्छा। एक टाइम तो बहुत करता था और अभी चलिए डिलीवरी बेस पे आते हैं। नहीं, जो भी हो मतलब सब में सी, आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा, ये चार्ट अभी जो मैं इसमें कभी जिंदगी में हाथ ना लगाऊं, इसका एक शेयर भी ना लूं, इसमें भी काम करता है बराबर। तो टेक्निकल एनालिसिस एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, अगर आपने चार्ट रीडिंग सीख लिया तो आपको इंट्राडे में भी काम आएगा, पोजिशनल में भी काम आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगा, बट आपको उस तरह का गुरु चाहिए जो आपको उस तरह बता सके, या फिर आप उस तरह आप उतना ग्रेजुएट हो पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते, तो ये एक प्रोसेस है पूरा। अब लोग उम्मीद करते हैं मैंने कल कोर्स किया आज से मैं करोड़ रुपया कमाऊंगा, वैसा नहीं होता है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो अभी जैसे आपने पूछा कि क्या सेटअप होता है, तो सेटअप बेसिकली सेम ही होता है। आप इंट्राडे अभी इसमें इसको मैं अगर आपको इंट्राडे चार्ट बोलता तो आप बोलते हैं इंट्राडे है, अभी मैं लेट्स से निफ्टी पे चले जाते हैं। चलो नहीं, सबसे फेवरेट स्टॉक अभी सबका यस बैंक। यस बैंक, चलो ठीक है। अब आप देखिए यहाँ कन्वर्जेंस हुआ नीचे गिर गया, यहाँ कन्वर्जेंस हुआ था, अगर आप देखोगे फिर देखो एक गैप डाउन,
तो अब यहाँ आपको बेचना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ आपको कन्वर्जेंस में प्लस दिख रहा है आपके। जी वो इसमें एक ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो, अगर आप ईएमए क्रॉस यूज करते हो तो वो आपको बताएगा कि कहाँ क्रॉस कन्वर्जेंस हो रहा है। ये इन्वेस्टिंग का एक बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है जो इसमें ये बताता है। अब यहाँ देखोगे तो आपको सब क्रॉस साथ में दिख रहा है। तो कोई भी दो मूविंग एवरेज का क्रॉस को आप एक अपने आप में इंडिकेटर है वो ईएमए क्रॉस मोड। जी जी, तो ये जो है अब यहाँ गिर गया बराबर है। अब अगर आप यस बैंक का लाइफ टाइम हाई का चार्ट अगर डेली चार्ट देख रहे हो तो यहाँ देखो, यहाँ इस पे ब्रेक डाउन था अराउंड 300 के नीचे 290s में। उसके बाद देखो ये प्राइस उधर तक आया, रिटेस्ट हुआ, कुडन क्रॉस, ऊपर नहीं जा पाया। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था, ब्रेक डाउन, उसके बाद ब्रेक डाउन। अब आप यहाँ बेचने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ भी खरीदा है तो यहाँ बेच के आपको हटना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं जो आप यूज करोगे। अब तो हम जो पोजिशनल काम करते हैं तो हर एक का, मैं एक अक्सर बोलता हूँ, मेरे मैं जब भी मेंटोरिंग प्रोग्राम के लिए भी मैं लोगों को जो मेरे लिए मेरे पास सीखने आते हैं तो उनको मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई अगर आप मुझसे सीखना है तो पहले आपका फ़ोन नंबर दीजिए, एक टाइम फिक्स करेंगे, हम दोनों बातें करेंगे, 30-40 मिनट की बातें होगी। तो मैं उसमें समझाता हूँ उनको, मैं उनसे पहले थोड़ा उनके बारे में समझ लेता हूँ, फिर उनको मेरे बारे में पता है तो अच्छी बात है, तो वो भी बता देता हूँ। फिर उनको बोलता हूँ कि आपका मोटिव क्या है। कोई भी आदमी चार्ट देखता है तो बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। चार्ट देख के पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, बराबर। हाँ। उसको अप्लाई करना होगा कहीं तो। आपने बहुत आगे की बात कर दी कि पैसा कमाना, उसके बीच में स्टेप है जो हमको ध्यान रखना है। वो स्टेप क्या है कि कोई भी जो चार्ट देखता है उसका मोटिव यही होता है कि उसको एंट्री पॉइंट चाहिए पहले तो, राइट एंट्री पॉइंट। अब जो एंट्री पॉइंट मिली है वहां से वी हैज टू पहले देखना है मेरा रिस्क कितना है, दैट इज स्टॉप लॉस। रिस्क इज नथिंग बट स्टॉप लॉस। और जो टारगेट बन रहे हैं वो हमारा रिवॉर्ड है। तो ये दो चीज आपको पहले पता चल जानी चाहिए कि मैं अगर 130 रुपए में एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है। अगर मेरा स्टॉप लॉस 120 रुपया है तो 10 रुपए का रिस्क है मेरा। अब मेरा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो 10 रुपए से ज्यादा होना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि 1:1 हो तो मैं तो अक्सर बोलता हूँ सिक्का उछाल दो, बेस्ट है, इंस्टेंट हिसाब हो जाएगा, किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट 1:2 है या 1:1.5 है या 3 है या जो भी है उससे ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा है। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिवॉर्ड कैसे चलिए 10 रुपया पता है जी, तो इवन वो भी नहीं पता ना लोगों को, तो आज जो भी है वो तो चार्ट पे ही देखना आपको। तो ये मॉडल जो है से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन कर सकते हैं जी, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप नोट करोगे चार्ट में तो एक मूविंग एवरेज ऑलवेज यू नो आप बोलोगे कि वो ज्यादा ही पावरफुल होती है। ओके, प्राइस उसके आसपास आके रिएक्ट करना चालू करो। ओके, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ ये पूरा फॉल था, राइट। अब आप नोट कीजिए कौन सी मूविंग एवरेज के पास वो फॉल होना था। एज अ ट्रेडर अगर ये भाव के आसपास आता है पुट ऑप्शन खरीद लो, क्योंकि यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। अब ये जो मूविंग एवरेज है वो 18 है। अच्छा, 18 का क्यों लॉजिक है? कुछ भी नहीं, अगर चार्ट पे देख रहे तो अभी कुछ नहीं, बट यहाँ हट रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ, मेरे नंबर्स थोड़े अलग हो गए, आप देखोगे तो मेरे नंबर 4918 है, लोग 5, 10, 20 करते हैं, मैंने थोड़ा एक नंबर आगे कर लिया पहले इंडिकेटर। क्या बात है, बहुत सही। तो बोलते हैं ना कि थोड़ा गुरु खुद के पास रखता है, तो सिखाता हूं, मैं रखता खुद नहीं हूं, बट दिस इज समथिंग जो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं 4918, क्योंकि लोग 5, 10, 20, 50, 100, 200 यूज करते हैं। राउंड नंबर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है हमारे लिए, यू नो, तो हम उस तरह सौदे भी हम उसी तरह करते हैं, तो वो हम अवॉइड करते हैं 4918 5200 इज कॉमन सबके लिए, तो वो जेनेरिक है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, अगर आप देखोगे तो 5 के पीछे 10 के पीछे सबके पीछे लॉजिक है। ध्यान करोगे तो 5 is 1 week ट्रेडिंग वीक, तो 5 और 4 के बीच में आप अगर अंतर देखोगे ना मूविंग एवरेज का नॉमिनल होगा, चार पहले आपको इंडिकेशन देगा, चार पहले दे देगा, फिर 9 जो है वो 2 हफ्ता माइनस 1 दिन,
तो लोग यूज करते हैं, पता भी नहीं होता कि फ्राइडे को वीकेंड मान रहे हैं इसके जी, वीकेंड मूड है ऑलरेडी। तो यू नो ये तरीका होता है। दूसरा फिर भी 18 है जो महीना माइनस दो दिन, एक महीने में चार हफ्ते होते हैं, तो 20 दिन हो गए, 20 दिन माइनस दो दिन हुआ। देन अब 50 जो है वो क्वार्टर माइनस 10 डेज है। तो लोग सालों से यूज करता है, लोगों को पता नहीं क्या कर रहे हो। सही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे दर्शक देख रहे तो मेरे ख्याल से आज से वो लोग इतने तो आगे बढ़ी जाएंगे उनकी लाइफ में कि 4, 9, 18 या 5, 10, 20 क्यों यूज कर रहे हैं वो भी पता चलना चाहिए। खाली यूज करने का कोई मतलब नहीं होता कोई भी चीज का। तो ऑलवेज मेरे स्टूडेंट्स में मैं अक्सर बोलता हूँ कि इंक्वायर, आस्क। जितना आप पूछोगे, जितना आप सामने वाले को, आपके गुरु को आप पूछोगे गाइड, तो वो आपको गाइड कर पाएगा। सही बात। बहुत लोग आपने स्कूल में भी देखा होगा कि हम सारे बच्चे 40-50 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, बट दो चार बच्चे ही सवाल करते हैं। और हमें बचपन में अक्सर आज तो सवाल नहीं करेगा, हमको जल्दी जाना है है ना। तो आपने नोट किया होगा कि हमको पहले से डिस्करेज किया गया है। तो मैं एनकरेज करता हूँ मेरे सेशंस में कि प्लीज जितने सवाल पूछने पूछो, क्योंकि तभी आप सीखोगे। और फिर भी वो जो हम 10-15-20 स्टूडेंट को लेके जब एक सेशन चलाते हैं, तो मैंने नोट किया फिर से उसमें 1, 2 या 3 ही लोग सवाल करते हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि 3 जो 2 लोग या जो भी सवाल कर रहा है वो हम सबके लिए एक ग्रेस प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेस बोले तो मैं बोलूंगा कि हम जैसे भगवान का जो हमारे पे आशीर्वाद आता है, तो वैसा ये लोग हमारे लिए वो काम आशीर्वादित काम करते हैं कि ये लोग जब सवाल करते हैं तो बाकी सब इनसे सीखते हैं। ये लोग सच बोलो तो ये लोग डेरिंग वाले होते हैं। तो सीखना भी एक सवाल जवाब के प्रोसेस से ही होना चाहिए। तो हम आप नोट करो कि आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो हमारे पूरे दर्शक सीख रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है सब जगह होना चाहिए। अगर आप अगर कोई सेशन में बैठते हो और मोनोलॉग चल रहा है, सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा है, तो आप थोड़ी देर में कंटाल जाओगे। कितना भी इंटरेस्टिंग होगा तो आप यू नो थोड़ी देर बाद लगेगा यार मोनोटोनी हो रहा है, रिपीट हो रहा है सब चीज, बार बार सेम चीज आ रही है। बट आप सवाल करोगे तो आपके सवाल से हो सकता है वो भी कुछ और सीख ले। आप मैंने बहुत टाइम देखा हूँ मेरे स्टूडेंट्स के सवालों से जब मैं उनको आंसर देता हूँ तो एक नया पहलू पता चलता है चीज़ों का। लाइक मेरे साथ एक केस हो गया था, बैंगलोर में जा रहा था, आई वॉज मुझे एक TCIC बोल के बहुत ब्यूटीफुल सेमिनार रखा था उन्होंने, कॉन्फ्रेंस था इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का, जहाँ उनका मोटिव था कि जो भी पैसा आएगा, जो भी बचत होगी वो चैरिटी में जाएगी। तो उसके लिए मैंने उसको अग्री कर लिया था। बहुत उन्होंने फिर मुझे बोला था कि एक अच्छी टॉपिक बनाओ जहाँ कुछ हमारे यू नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सीखने मिले। तो मैंने वहाँ जब वो उनके लिए जब चार्ट देखना, मैंने फिर अलग मोटिव से, क्योंकि क्वेश्चन था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देखना, तो मैंने फिर देखो अभी टाइम फ्रेम की बात आ रही है, इंट्राडे वाला होता है तो उसके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, टारगेट भी छोटे होते हैं, पोजिशनल होता है तो उसके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो कंपैरेटिवली इंट्राडे वाले से ज्यादा होते हैं। सर हम लोग को भी दिखाई दे रहा चार्ट, कोई भी एक चार्ट अपने शेयर अभी जैसे देखिए अभी अभी इंट्रा ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं, यस बैंक है, अभी हम इसको इंट्राडे में 1 आवर कर देते हैं। हाँ एक क्वेश्चन सर मुझे सबको ही पूछते हैं जी, इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे ना सर, ये बिलियन डॉलर वैल्यू है, बोलिए ना सर यस बैंक अभी लेना चाहिए कि नहीं, ये इतने आपका जवाब भी दूंगा। अभी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ ये चार्ट पे देखें, ये इंट्राडे एक घंटे का चार्ट है, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, कौन सी मूविंग एवरेज आपको फिर से पावरफुल दिख रही है जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा है, ये पिंक वाला है, नहीं ये पर्पल वाला, एक घंटे में 50 यूनिट्स, मतलब 50 घंटे की मूविंग एवरेज, ठीक है। ये मूविंग एवरेज का रन जो हो रहा है ये एवरी 50 घंटे पे रन हो रहा है, ठीक है। तो उसका एवरेज निकल रहा है, अब आप देख रहे हो कि ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है तो आपका सौदा बनता है। अब यहाँ देखो कन्वर्जेंस हो गया है, दो कन्वर्जेंस के क्रॉसेस दिख रहे हैं, अब इसको क्रॉस करने लगा 47 के बाद तो आपका इंट्राडे ट्रेड चालू हो जाता है या पोजिशनल ट्रेड चालू हो जाता है। अब इंट्राडे हुआ तो आप और छोटा टाइम फ्रेम देख लीजिए, 15 मिनट या 30 मिनट का,
पोजिशन होगा तो 2 घंटे भी देख सकते हो आप, 3 घंटे भी देख सकते हो, आपके ऊपर आपको कैसा मतलब किस में कंफर्ट आ रहा है और कहाँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये टाइम ही देखना है। अब यहाँ देखो आप, ये 1 आवर चार्ट है बरोबर, यहाँ देखिए 18 मिनट अलाउ नहीं कर रहा था और यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो 9 मिनट अलाउ नहीं कर रहा था और फिर जब गिरना चालू हुआ तो मोमेंटम 4 मिनट। तो हर मूविंग एवरेज का एक रोल है, वो रोल अदा करती है जब उसका टाइम आता है, मोमेंटम में 4 या 5 जो भी यूज करते हैं। अगर वो अगर मोमेंटम कम हो जाता है या थोड़ा स्लो शुरुआत होती है, जब मोमेंटम जस्ट चालू होता है तो पहला तो मोमेंटम नहीं होता, जब ब्रेकआउट होता है तो 9 और 18 प्ले करते हैं। 18 के बाद 50 जो होता है वो मेजर सपोर्ट काइंड ऑफ काम करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने देखा है कि अगर आप 18 या 20 ध्यान में रखोगे तो प्राइस जब 18 20 को क्रॉस करता है तो एक उसमें मोमेंटम बिल्डअप होता है। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं, देखो आपके सामने हो गए, ये आप अगर इसको ट्रेड करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। और मेरे को अब आपको मैं यस बैंक के लिए आपने मुझे पूछा कि खरीदना इन्वेस्ट करना चाहिए बरोबर, अब इन्वेस्ट करना है तो सी मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा, अभी यस बैंक है या फिर और एक कौन सा स्टॉक है आइडिया, बहुत गिर चुका है, काफी लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने का शौक है, यस बैंक में भी शौक है, बहुत लोग बोलेंगे नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ उतना करो जितना आप खो सकते हो, पहले तो कॉन्ट्रेरियन भी हो गया नहीं, एक आपने खोने की ताकत जितनी है उतना ही सौदा तो जीरो हो सकता है, मान लो बस के जीरो हो सकता है। मैं बोलूं अगर आप बोलते हो कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस ये 28 रुपीज है, समझो यहाँ गया था लास्ट ये जो भी है 28 रुपीज है बराबर, तो 28 मेरा स्टॉप लॉस हो गया समझो, या 26 हो गया उसके नीचे और 2 रुपया, अब 54 चल रहा है अभी तो 28 रुपये का रिस्क है। अब रिवॉर्ड कितना होना चाहिए इसके सामने, रिवॉर्ड तो कम से कम 4-5 गुना, कम से क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2-5 साल के लिए तो 4-5 गुना होना चाहिए, 2-3 गुना भी आई वुड नॉट बी, मैं खुश नहीं रहूंगा, 5 या 10 गुना हो तो मुझे इंटरेस्ट है। अब 5 गुना 28 रुपये का 5 गुना कितना हो जाएगा, 140 रुपया, तो ये 200 रुपया जाना चाहिए, 195-200 के आसपास, उसके ऊपर जाए तो और भी मजा आएगा। तो आप इतना समझिए, अगर ये बैंक मेरे हिसाब से, मैं तो चार्ट भी नहीं देख रहा हूँ, एट द मोमेंट 28 रुपया हम सबको पता है, सबने देख लिया है, और 2 रुपया रिस्क दे दिया हमने, या 3 रुपया पकड़ लो चलो कि उसके नीचे और गया तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं स्टॉप लॉस को बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स में आपको भी बता दूंगा, हमारे दर्शक या जो भी हम सब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं सब लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, सिर्फ शेयर बाजार में नहीं रखते। कैसे, आप किससे बात नहीं करते हो, जिसे मन नहीं मिलता है, जिसे मन नहीं मानता या जो आपको तकलीफ दिया हो कभी किसी ने, या आपको किसी ने मतलब इंसल्ट कर दिया हो, फिर वो फिर आपके पिताजी हो, आपकी माताजी हो, आपके भाई हो, आपकी बीवी हो, बीवी को तो डिवोर्स करते हैं राइट, भाई को डिवोर्स नहीं कर सकते तो छोड़ देते हैं, हम घर से निकल जाते हैं बहुत लोग, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। नहीं, उस सेंस में वो सच सेंस है, सही है। अब ये कौन सा हमारा, ये कंपनी में हमारा जो इसके जो प्रमोटर्स है या जो भी है वो हमारे सगे वाले नहीं है, पर इनके साथ स्टॉप लॉस नहीं होता हमारा। तो रखना चाहिए, सच में रखना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। आप जब पर्सन टू पर्सन स्टॉप लॉस रखते हो तो शेयर ये भाव है, कहीं ना कहीं तो काटो इसको, इसके साथ रिश्ता तोड़ो, सही बात है, आपको कट करना पड़ेगा इसका रिश्ता। आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जहाँ नुकसान होता है वहां शेयर बाजार में वो डरता है काटने को, लाइफ में जहाँ नुकसान होता है वहां काट देता है, शेयर बाजार में वही सोच अगर आप लाओगे जो रियल लाइफ में जीते हो तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। तो अभी हमने जैसे भी इसका देखा, अब मैं आपको इसका ये सब भूल जाता है टेक्निकल्स, मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ, वोडाफोन या आई यस बैंक या जो भी कंपनी DHFL या जो भी कंपनी गिरी है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, कोई भी स्टॉक में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना आप कर रहे हो, मुझे पता है हम लोग किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, बट एक सोच है सिंपल कि अगर आप समझो ये कंपनी 6 महीने से 1 साल टिक गई, इसको प्रॉब्लम्स है राइट, इसको फंडिंग नहीं हो रहा है, जो भी इसके सिचुएशंस अभी चल रही है यस बैंक के केस में या वोडाफोन के केस में, डिफरेंट केस है कि जहां गवर्नमेंट का उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, उनको जो नहीं उनको जो अभी पेनल्टी लगी है AGR की, तो पेनल्टी उनको ओवरकम करनी है तो या तो उसमें कोई सहूलियत मिल जाए, तो आप सोचो अगर ये मिल जाती है चीज़ों, जैसे यस बैंक को फंडिंग मिल गई तो 5-6 महीने में मिल ही जाएगी, या तो फिर ये बंद हो जाएगी या मर्ज हो जाएगी, बंद तो नहीं होगी मर्ज हो जाएगी मोस्टली करेक्ट,
राइट, तो हो सकता है शेयर होल्डर का नुकसान हो जाए, इन्वेस्ट जो उसमें पैसे लगा के बैठे उनका कोई नुकसान नहीं होगा, एज अ डिपॉजिटर उनका नुकसान नहीं होगा, मोस्टली इंडिया में अब तक वैसे केस नहीं हुए जहाँ डिपॉजिटर के नुकसान हुए, बट शेयर होल्डर के हुए, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के केस में हुआ था जैसे, तो टेक ओवर हो गई थी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज हो गई, शेयर होल्डर को शेयर नहीं मिला उसका, तो पूरा गया उसका। बट अगर समझो ये सर्वाइव कर जाती है, उसको फंडिंग मिल जाता है, तो ये मल्टीबैगर बन जाएगी। सेम वोडाफोन, आज 6 रुपये मिल रहा है, अगर वो सर्वाइव कर गया नेक्स्ट 6 महीना 1 साल, अगर उसका AGR का इश्यू रिजॉल्व हो गया, गवर्नमेंट ने उसको सहूलियत दे दी कि भाई आप धीमे धीमे भी पे करो, तुम एक्सेप्ट करो कि आपको पे करना है, राइट, तो ये हो जाता है। तो ये अब 6 रुपये की चीज़ अगर 90 रुपये भी हो गई 10 साल में भी हुई, तो 15 गुना कहाँ मिलता आपको? नहीं फिर साहब, ये तो सबको पता है, पर इसी तरह मल्टीबैगर होता है, आपको तो होल्ड करना पड़ता है। मल्टीबैगर जो एक कॉन्सेप्ट है, लोगों को मल्टीबैगर दिन में चाहिए होता है। हाँ मतलब वो बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक बोल रहे हैं, बट अगर मैं सपोज फंडामेंटल नहीं इवैल्यूएट कर सकता, मेरा दिमाग नहीं होता, मैंने बोला कुछ नहीं करना, मैंने कहा फंडामेंटल इवैल्यूएट किया, मैंने तो सिंपल बेसिक भाषा में एकदम देहाती भाषा में सिखाया, ये कंपनी बस जिंदा रह जाए 6 महीना 1 साल, तो ये मल्टीबैगर बन जाएगा। तो इसको अगर प्राइस के हिसाब से मेरे को देखना, जैसे मैं आपका क्रॉसओवर वाला देखता जी, मेरा एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट आ गया आपका ये क्रॉसओवर वाला थ्योरी तो मेरा दिमाग भी वही अटका है। तो ये जो क्रॉसओवर है, देखिए जितने भी EMA क्रॉसओवर है, ये सब एक ही भाव पे खड़े हैं, और ये भाव नीचे चला गया उस क्रॉसओवर में 60 के लेवल के आसपास में। तो अभी आज का रेट में अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा तो मैं इसमें बेच के काम करूंगा। अभी देखो फिर से जो बॉटम बना है, यहाँ एक बॉटम बनी, फिर उसका बाउंस हुआ, अब वो जो मूविंग एवरेज है ये अलाउ नहीं कर रहे उसको ऊपर जाने को, ग्रीन वाली करेक्ट, तो अब ग्रीन वाली के जब तक नीचे है तब तक आप शॉर्ट रहेंगे, तब तक हम शॉर्ट रहेंगे, करेक्ट है। जब इसके नीचे जाना चालू कर, अब मेरे को संगम यहाँ हुआ था, हम ये कैंडल के बाद सेल कर रहे, ये कैंडल देखो, जैसे ये कैंडल हुई इसके नीचे, ये कैंडल में ही सेल आ गया, फर्स्ट सेल वॉज हियर, बट संगम बाद में आया, तो हम तभी तक तो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ संगम आया, फिर जब फिर से ये कैंडल ब्रेक हुई तो आपने सेल कर दिया। आप देखो यहाँ से अगर आप नोट करते हो, ये लोएस्ट पॉइंट, इसका जो लोएस्ट पॉइंट हम पकड़ते, बड़ा नहीं पकड़ते, ठीक है, कितना रुपया था आप देखिए जरा मुझे थोड़ा, इसका लो है 56.65, फिर कहाँ गया था इसका लो है 40 रुपीज, 16 रुपया, आप सोचिए कितना टकाओगे। तो अभी क्या करना है, अभी जैसे मैंने बोला कि ये जैसे ग्रीन लाइन के नीचे है, आप सेल करके खड़ा, नया संगम आएगा तब लेना है, अगर ऊपर की तरफ संगम आता है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको निकल जाना है। हाँ। अब बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो देखो ये लाइन भी नहीं क्रॉस हो रही है। हाँ। अगर आप देख रहे हो छोटी वाली लाइन जो 4 है, तो जो इंट्राडे ट्रेडर है 4 के पास आता है, मारते जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 4 क्रॉस करके ऊपर चलना चालू होगा, जैसे क्रॉस ओवर क्लोज हो गया तो उसको पोजिशन काट लेगा, लॉन्ग हो जाएगा इंट्राडे वाला, जो पोजिशन वाला होगा वो एक ग्रीन लाइन के बाद एंटर करेगा। तो ये अलग अलग जो मूविंग एवरेज के पहलू है वो आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ये बहुत ब्यूटीफुल है, इतना ही मतलब आप बोलोगे कि पावरफुल भी है यूज करने के लिए। जैसे हमने इंट्राडे में देखा तो हमने नोट किया कि यहाँ बाय बन रहा है, अगर आप 1 आवर का देख रहे हो तो इसके बाद बाय बन रहा है, तो ये अर्ली सिग्नल दे देगा आपको, 47 47 क्रॉस हो गया, 46.50 या जो भी है, एक बार ये लेवल क्रॉस हो गया अगर आप नोट करोगे तो हो सकता है ये फर्स्ट टारगेट ही आ जाए। तो वो ये इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको 2 रुपया अगर आप देखते हो तो 4.5% होता है। अब आप इसमें ऑप्शंस खरीद लिए समझो, तो ऑप्शंस 2 रुपये का अगर इसमें मूवमेंट है तो उधर 1 रुपये का मूवमेंट होगा, बट आपका इन्वेस्टमेंट 46 रुपीज नहीं होगा, वो हो सकता है आपका 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो तो आपको 50% रिटर्न मिल सकता है। तो आप इस तरह इसको फिर पैसे यूज करना, अलग अलग इंसानों ने, चीज वही है, मूविंग एवरेज ही है। अब एक ट्रेडर जो पोजिशनल फ्यूचर्स में काम करता है तो डायरेक्ट वो स्टॉक उठाएगा बेचेगा, जो ऑप्शंस करता है वो ऑप्शंस खरीदेगा उसके बाद, तो ऑप्शंस वाले को परसेंटेज टर्म में ज़्यादा रिटर्न आता है, उसका रिस्क भी बड़ा होता है कंपेरेटिवली, बट रिवॉर्ड्स आर ऑलवेज हाई। तो अभी मैंने देखा है बहुत लोग
जैसे अभी हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि सक्सेस रेशियो अक्सर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि होली ग्रेल की 70% 80% सक्सेस रेशियो चाहिए मुझे। तो मैं अगर किसी कोई मुझे पूछता है कि आपका सक्सेस रेशियो क्या है तो मैं बोलता हूँ 30%। अब 30% में लोगों को परेशानी हो जाती है सुन के, बट 30% में अगर आप एवरी एक हर जो ट्रेड अगर आपका राइट गया 1:5 का सक्सेस रेशियो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप देखिए 300 में 5 का आपका गेन होना चाहिए 5 रुपये का, तो 15 रुपये मिलेंगे। 7 में आप 1 रुपया तोड़ रहे हो तो भी 8 रुपया घर में आएगा। अब 2 से कीजिए सौदा, 3 था अब 2 सॉरी 5 था अब 3 पे आ जाइए। 3 हमको मिला, 3 राइट केस हुआ और 3 रुपया कमाया हमने हर एक सौदे में, 9 रुपया मिला। 7 रुपये टूटे तो भी 2 रुपया कमा रहे हो, ब्रोकरेज निकाल दो तो भी 1 रुपया बचेगा। तो 3 से ऊपर हो जाए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के ऊपर तो आप पैसा बनाना चालू कर देते हो, और 1:4-5 जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 4-5 पे भी पहुंचोगे, आप 7 पे भी पहुंचोगे। तो धीमे धीमे होता है। प्रॉब्लम लोगों का होता है कि हमको सब सौदे राइट चाहिए, हमको खुदा बनना है बाजार में, जो पॉसिबल नहीं, भाव भगवान है इंसान नहीं। दोस्तों ये एक्चुअली पूरा एक्सपीरियंस है ना सामने आ रहा है, और मैंने देखा है कि जो जितना टाइम मार्केट में स्पेंड कर रखा होता है ना उसके अंदर में इतनी बातें होती है बोलने के लिए, और वो इतनी चीज अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। तो फिर ऐसा मुझे तो मज़ा आ रहा है बहुत, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे आपके साथ फिर से बैठना होगा, एक और वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और थोड़ा और डीपली जाएंगे। जब भी बोलो तब आप मुंबई आ जाओ, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। एकदम एकदम, तो ये आपसे 2-4 वीडियो अच्छे इंटरव्यू के लिए वापस से रिकॉर्ड करना है, इस बार थोड़ा और घुसेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर में। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो टेम्पलेट है, मैं तो समझ गया हूँ, आप लोग समझेंगे नहीं पता नहीं, और ये वीडियो आप रिपीट करके देखिएगा 3-4 बार, वो ये टेम्पलेट को मैंने पकड़ लिया। इनको समझ में नहीं आई बात, बट मैंने पकड़ लिया ये टेम्पलेट को, और मैं इस पर और बहुत रिसर्च करने वाला हूँ और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, इफ़ यू अलाउ मी टू डू दैट। मैं तो ट्रेनर हूँ, मेरा काम है सिखाना, अब लोग यूज करेंगे तो मेरी ट्रेनिंग का फायदा होगा, नहीं तो क्या फायदा होगा। एकदम एकदम, लेकिन मैं तो फायदा उठा रहा हूँ, मैं तो जितने मेंटीज है जो मेरे पास सीखते हैं, तो ये एक फैक्टर है, ये एक वन ऑफ द फैक्टर है। मेरा ये कि एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि सीखना तो बहुत कुछ है इसके साथ साथ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको वॉल्यूम्स बताया, फिर जैसे क्या नहीं यूज करना है, लाइक लोग कैंडल स्टिक से चार्ट देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो अक्सर आप देखोगे कि लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक इज लाइक यू नो वर्क्स और डजंट वर्क। मैं आपसे भी सवाल कर लेता हूँ, चलिए आप बताइए मुझे, आपके हिसाब से कैंडल स्टिक वर्क करती है या नहीं करती है? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन आप भी ये मानेंगे कि कोई एक आंसर दे नहीं सकता इसका कि हाँ करती है या ना करती है। हजारों बुक लिखी है कैंडल स्टिक पे, अल्टीमेटली आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है, एक एक सब्जेक्ट पे हजारों बुक लिखी है, एक कैंडल स्टिक पे अगर आप गूगल करोगे तो हजारों में 10,000 में बुक मिलेगी आपको, कुछ तो होगा उसमें कि चलता होगा, लोग बोलते चलता है, मैं भी बोलता हूँ, मैं आपको बोलूँ अभी मैं आपको दोनों साइड से जवाब दे सकता हूँ, ये 100% चलती है, बट रेट्रोस्पेक्शन मतलब पीछे आप जब मुड़ के देखोगे तब ये चलती है, बट आप जब लगाओगे तब हर वक्त नहीं चलती है, कभी कभी चलती है, और जब चलती है तो यू नो प्रॉब्लम हो जाता है कि चली क्यों, और नहीं चली तो भी प्रॉब्लम होता है। तो आप नोट करोगे इसमें, आप थोड़ा सा और वक्त दे देते हैं हमारे व्यूअर्स को दर्शकों को कि एक छोटी सी बात निकली तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कैसा होता है बहुत सारी चीज़ें जो लोग बहुत वैल्यू करते हैं उसको सीखे बिना, अब कैंडल स्टिक का एक मिथ उड़ा देते हैं हम, जो बोलते हैं ना मिथ्या है उसके बारे में, जो एक सोच है हम उसको थोड़ा उड़ा देते हैं। कैंडल स्टिक में 4 पैटर्न है, जो मेजर है, जो बुलिश है, और 4 बेरिश है, उसके ऑपोजिट एग्जैक्टली एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मैं चारों के नाम बोलूंगा, बेरिश वाले पहले बता देता हूँ, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, एंगल्फिंग बेयर और इवनिंग स्टार। अब इसके ऑपोजिट देखिए, बुलिश हरामी, राइट, पियर्सिंग लाइन, देन एंगल्फिंग बुल और मॉर्निंग स्टार। अब ये 4 के अलावा 5वां पैटर्न आपको नहीं मिलेगा टॉप और बॉटम पे, तो चलता तो है 100%,
चारों में से एक पैटर्न ही आएगा, तो आपको जब भी ये पैटर्न दिख जाए तो चलना चाहिए। तो क्यों फेल होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रेट्रोस्पेक्शन में चलता है, क्योंकि आप अगर कोई भी जगह पे देख लो, अब यहाँ देखो ये ही ये इवनिंग स्टार हो गया, यहाँ ये वाला जहाँ मेरा एप कर्सर खड़ा है, राइट ये वाला राइट इवनिंग स्टार है ये। अब अगेन यहाँ अगर आप देखोगे तो ये फिर से इवनिंग स्टार हो गया, ये चला, ये भी चला, पर कितना चला। अब ये पियर्सिंग लाइन, या ये पियर्सिंग लाइन बोल सकते हो आप, ये वाला बॉटम, यहाँ देखिए आप, ये एंगल्फिंग बुल हो गया बड़ी कैंडल, राइट। उसके पहले अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग स्टार है, इधर में टॉप में देखोगे तो एंगल्फिंग बेयर है, और बीच में जो बन रहा है उसका क्या, ये वाले टॉप और बॉटम के बीच में जो बन रहे उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कितने बन रहे देखिए, यहाँ टॉप में वो चार में से एक पैटर्न, बॉटम में चार में से एक पैटर्न, बट बीच में कितने बन रहे हैं। तो फिर आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। तो कैंडल से कितना आसान सब्जेक्ट है, हम लोग, मैं सिखाता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, हम लोग इसको व्यूइंग टूल की तरह यूज करेंगे, सिर्फ कोई चीज से हमको चार्ट देखना है तो कैंडल स्टिक से देखेंगे। क्योंकि क्यों कैंडल स्टिक, क्योंकि अगर आप इसको बार चार्ट में देखोगे तो थोड़ा वो पतली सी गंडी होती है, उसमें एक साइड नॉच होता है, एक साइड इधर होता है, तो थोड़ा ईजी नहीं होता। कैंडल स्टिक थोड़ी अच्छी दिखती है, उसलिए हम यूज करते हैं। कैंडल स्टिक के और भी बहुत सारे गुण है जो हम यूज करते हैं, बट यहाँ हम लोग जो देखते हैं वो नहीं होता। तो आपको मैं बोलूँ कि कैंडल स्टिक 100% चलती, मुझे ट्रेनिंग देनी हो तो मैं आपको बताऊंगा कि सब टाइम चलिए। बट देन मुझे भी पता, मैं लोगों को झूठ बोल रहा हूँ अगर ये बोलता हूँ। तो आपने जो कह दिया कि भाई 30% टाइम ही चली और आपका रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो आप पैसा बनाओगे, तो कोई भी स्टडी चलती तो लिमिटेड टाइम ही है, ऐसा नहीं है सर। 100% उसके अलावा आपको पैसा तोड़ती है तो आप धंधा करते हो, समझो आप क्लोथ्स का धंधा करते हो, रेडीमेड गारमेंट का, हर कपड़ा थोड़ी जो दुकान में आता है बिक जाता है, कुछ पड़े रह जाता है, फिर सेल में बेचना पड़ता है, फिर और सेल लगाना पड़ता है, फिर रॉक बॉटम सेल करते हो, फिर वो रद्दी वाले को जो चिंदी वाले होते हैं उनको दे देते हो, तो नुकसान में बेच रहे हो, वजन से बेचते हो तो भी, तो बाजार में भी सीखना चाहिए हमको शेयर्स। और मैंने बोला ना, आप जो रियल लाइफ में धंधे करते हो या रियल लाइफ में जिस तरह जीते हो उसी को ये बाजार, ये बाजार मैं तो बोलता हूँ बिजनेस ऑफ बिजनेसेस है। आप सोचिए ना, आप किस्मत पैसा लगा रहे हो, आपकी कौन सी कंपनी, आपकी ओनरशिप की एक भी नहीं है, बट जैसे आपने उसमें शेयर ले लिया, इंट्राडे किया तो आप इंट्राडे के उस शेयर के ओनर बन गए। आप पोजीशन रखे तो आप 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन जब तक वो पोजीशन आपके फेवर में चल रही आप तब तक वो कंपनी के मालिक हो, एक हिस्सेदार हो, और आप लॉन्ग टर्म लेते हो तो आप वेल्थ क्रिएट करते हो, पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। तो ये जो हमको समझना है कि हम बिजनेस ऑफ बिजनेसेस कर रहे हैं, ये जो लोग नहीं समझ पाते इसको, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें बहुत सारी चीजें विवेक जी, जो हम बोलते हैं ना कि मेरा पूरा मेंटोरिंग सेशन जो मैं करवाता हूँ तो 3 महीने का होता है। तो पहले 1.5 महीना तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें धीमे 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 उनका प्रभुत्व बढ़ते आता है, मेरे से बात करते हुए जैसे मैं दिखाता हूँ सिखाता हूँ, फिर वो लोग वहाँ जाके वो लेवल पे आते हैं। तो लास्ट 1.5 महीना होता है, आपको अगर थोड़ा और भी सरप्राइज कर देते हैं और दर्शकों को भी, कि आपके हिसाब से कितने चार्ट एक बंदा 2 घंटे में देख सकता है। सी चार्ट को देखने को हमने पहले डिसाइड किया कि एंट्री पॉइंट चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए और टारगेट चाहिए, और हर जगह तो आपको एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगी, तो कहीं जहाँ मिलती है वहाँ पर एनालाइज करना, बट कितने देख पाओगे आप और कितने में से फिर आप कर पाओगे 100 चार्ट 2 घंटे में। आपको क्या लगता है इम्पॉसिबल नंबर क्या है? 1000 इम्पॉसिबल? आपको मेरी स्पीड या नरेश की स्पीड या अंकित है या बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पीड अगर आपको पता चलेगी तो आप हो सकता है मतलब थोड़ा हिल जाओगे। जानना पसंद करोगे? ऑल ए टू जी लिस्टेड स्टॉक्स ऑन NSE 2000 प्लस 2 घंटे में, इन 1.5 घंटे में, बाय नाउ सी ये हम, अब मैं बोलूंगा आप ये क्यों देखना चाहिए, आप बोलोगे क्यों देखना चाहिए, कैसे देख सकते हो, मैं सिखाऊंगा हाँ। और मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, आज हम लोग सब कर रहे हैं, वो लोग देखते भी है, बट क्यों करना चाहिए।
तो एक बेसिक है, आप जब मार्केट को 50 स्टॉक को देखते हो या 100 स्टॉक को देखते हो, आपको कितना पता चलता है बाजार के बारे में? क्योंकि हम इकोनॉमी को अगर कोरिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप सोचिए ना कि अगर इकोनॉमी ए है जो हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, हर स्टॉक मिलकर पूरी इकोनॉमी बनती है, सिर्फ निफ्टी के 50 स्टॉक नहीं बनते, और आज की तारीख में तो सबको पता है कि 10 ही स्टॉक रादर 20% जो निफ्टी का है वो ही चल रहा है, बाकी 40 स्टॉक तो नहीं चल रहे। तो सीरियसली आपको पूरे मार्केट का अंदाजा नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है। बट अगर आप पूरा देखो तो आप सोचिए आपको इकोनॉमी का कितना अच्छा अंदाजा आएगा। दूसरी चीज सेक्टोरल एनालिसिस, जैसे अभी शुगर के स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे, कल ऑटोमोबाइल बहुत खराब हो रहे इतने टाइम से, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट देख पाओगे। तो ये उसके एडवांटेजेस भी है। और वही मैं बोलूँ, अगर आप 2 घंटे में अगर आप 100 स्टॉक देखने की क्षमता रखते हो, तो उसकी जगह पे आपकी क्षमता 2000 हो जाए, तो दिस इज द एडवांटेज। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो हम लोग मेरे ख्याल से फ्यूचर में कभी हमारे दर्शकों को बताएंगे भी। और मैंने बोला चलो आपको थोड़ी बहुत ये वीडियो में भी जितना हो सके दर्शकों को उत्साहित रखे कि वो दूसरे वीडियो भी देखने का पसंद करे और हमको फिर से मिले आके। अरे एकदम डेफिनेटली। क्या दोस्तों, आप लोग तो मिलेंगे फिदाई साहब से कनेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनके ट्विटर हैंडल, आपका ट्विटर हैंडल वही @NSFidai है, तो आप कनेक्ट करिए। फिदाई साहब के बहुत फॉलोअर्स भी हैं और मोर देन एनीथिंग एल्स लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट द वर्क ही इज डूइंग। सो फिदाई साहब, ये वीडियो तो आप यही समाप्त करते हैं। जरूर, थोड़ा लंबा था ना, लेकिन मजा आया, समझ में आई है काफी बातें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको भी पसंद आया होगा। और इस वीडियो के नीचे में कमेंट है तो आप कमेंट दीजिए। फिदाई साहब, अगर समय मिलेगा तो कमेंट का रिप्लाई करिएगा। लोग जो तो सिर्फ प्रशंसा ही सुनना हो, नहीं प्रशंसा ही अच्छा लगता है, प्रशंसा ही आती है, पर लोग मस्ती कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, जितने सवाल करोगे उतना सीखोगे। बट मैं प्रिफर करूंगा कि जो सवाल हो गए वो एटलीस्ट ये ना हो कि कौन सा स्टॉक खरीदे। जो पूछना पूछिए, बिकॉज ये काफी लर्निंग में कंट्रीब्यूट करने में बिलीव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये चैनल आपको पसंद आ रहा है। लाइक करिए वीडियो को, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट करिए, जो करना करिए, बट अच्छे रहिए, खुश रहिए और मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का सोचिए। धन्यवाद।